फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीशा फूड फ्लेवर्स चैनल। आज मैं बनाऊंगी जलेबी बहुत ही सिंपल तरीके से और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगी। इसे बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देख लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ उड़द दाल 2 कप, 2 घंटे के लिए इसे भिगोकर छोड़ दिया था। चावल का आटा 1 कप। रंग के लिए मैंने यहाँ हल्दी यूज़ किया है। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी, 1 कप पानी, इलायची पाउडर और दूध। और जलेबियाँ तलने के लिए मैंने यूज़ किया है शुद्ध देसी घी। आइए अब जलेबी बनाने के लिए हम देखते हैं। हम ओवन ऑन करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम पहले इसमें 2 कप चीनी और 1 कप पानी यूज़ करेंगे। पहले इसमें हम उड़द दाल डाल दें। फूड कलरिंग के लिए मैंने हल्दी लिया है। और 1/2 कप पानी। इसे अब मैं ग्राइंड कर लूँ। चाशनी में हम अब इलायची पाउडर डाल देते हैं। काफी सुंदर एक खुशबू आ रही है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चाशनी है ऊपर से एक परत की तरह फॉर्मेशन हो गया है। इसे हटाने के लिए हम एक चम्मच इसमें दूध डाल देंगे और ये एक और चम्मच। देखिए अब इसे मिलाने से ये गरम जैसे ही खोलेगा ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चाशनी में ऊपर से एक परत जमी है। ये जो दूध हमने डाला था उसकी वजह से हम इसे इजीली निकाल सकते हैं और जब हम ये निकाल देंगे काफ़ी सुंदर सा ट्रांसपेरेंट चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। जलेबी के मिक्सचर को मैंने प्लास्टिक के कोन में इस तरीके से भर लिया है। घी जो मैंने लिया है जलेबी के लिए, आइए गर्म हो चुका है, इसमें अब हम जलेबी तलते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कितने अच्छे तरीके से जलेबी हमारी बिल्कुल कुरकुरी जलेबी तैयार हो रही है। बिल्कुल इसे हम हल्के हाथों से पलट लेंगे और ये काफ़ी ही जल्दी हमारी ये जलेबी तैयार हो जाती है। देखिए ये हमारी जलेबी। इसे गरम गरम चाशनी में हम बिल्कुल इस तरीके से डिप करके रख देंगे कुछ देर। सर्विंग प्लेट में सर्व करें। ये खाने में बहुत ही यमी और डिलीशियस है। इसे आप घर में ज़रूर बनाएं और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।